Okay, now come to activity number 1.7. What's in this activity? That you have to take an iron nail, a piece of chalk and a rubber band. अब ये different different objects आपको दे दिए हैं and you have to judge that which article require more force to break the bond between them. हमें ये देखना है कि उनके बीच के जो bonds हैं ना उनको तोड़ने के लिए आपको किस में सबसे ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है. एक आयरन का पीस दे दिया मुझे, दूसरा क्या दे दिया, चॉक दे दिया, और तीसरा क्या दे दिया, रबर बैंड. किसको आप इजीली जो है वो खींच सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं बताइए. आयरन का कोई पीस है उसको क्या आप बेंड कर सकते हैं इजीली या स्ट्रेच कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं हो सकता ना. यू रिक्वायर लॉट्स ऑफ एनर्जी टू डू दैट. इट मीन्स कि जो आयरन के पार्टिकल्स हैं ना उन्होंने एक दूसरे को बहुत ज्यादा क्या करके रखा हुआ, अट्रैक्ट करके रखा हुआ है. क्या करके रखा हुआ है? वो पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं और उन्होंने एक दूसरे, उनके बीच में जो फोर्सेस है ना अट्रैक्शन के वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. क्लियर है? तो हर एक जो मैटर के पार्टिकल है ना उनमें डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस होते हैं अट्रैक्शन के. ऐसा नहीं कि सब में एक ही जैसे एक ही बराबर के फोर्स हो. जैसे अभी आपने एक्टिविटी कराई कि दो लोगों ने इस तरह से हैंड होल्ड करके रखा है, फिर इस तरह से हैंड होल्ड करके रखा और फिर इस तरह से उन्होंने फिंगर के थ्रू क्या करा हुआ है, अपने बीच में एक बॉन्ड बनाया हुआ है. तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, एक का दूसरे के साथ किस तरीके का अट्रैक्शन है, स्ट्रांग है, वीक है. तो हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के उनका क्या होता है, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन होता है और उसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ देयर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कि कितना स्ट्रांग आपके पास एक दूसरे पार्टिकल का एक दूसरे के साथ क्या है, बॉन्ड है. जितना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा वो उतना ही हार्ड होगा. जैसे हमारे पास ये वाला आपको दे दिया ना एक और एक्टिविटी बोला है करने के लिए, दैट आयरन का पीस दे दिया, चॉक दे दिया और क्या दे दिया आपको, रबर बैंड दे दिया है. किस में आपको सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अगर आपने उसको तोड़ना हो? रबर बैंड को इजीली आप स्ट्रेच करो और टूट जाएगा ना. चॉक रिक्वायर लिटिल बिट मोर एनर्जी, बट द आयरन पीस रिक्वायर अ लॉट्स ऑफ एनर्जी. इट मीन्स कि उनके जो पार्टिकल्स है ना, आपके पास जो आयरन का पार्टिकल है, आयरन जो है उसका जो मान लीजिए आपने पीस लिया है उसमें जो पार्टिकल्स है ना आपके पास उनके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्सेस हैं. जबकि आपके पास चॉक जो है उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनमें थोड़ा कम फोर्स होगा अट्रैक्शन का. एंड जो रबर बैंड है आपके पास इट हैज लीस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारे पास कि कितने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितने ज्यादा स्ट्रांग है वो उतना ही क्या होगा, मतलब पावरफुल होगा, स्ट्रांग होगा आपका. ठीक है, क्लियर है? ओके, सो फ्रॉम दीज एक्टिविटीज वी कम टू नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. मोर विल बी द अट्रैक्शन, मोर विल बी द फोर्सेस अमंग देम एंड यू रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द दोज पार्टिकल्स. क्लियर है? इज इट क्लियर? Now the next one is states of matter and we have discussed right in detail. The states of matter generally we'll study three states of matter. Some liquid, gaseous and solid. Start from solid, right? Clear? Yes, liquid and gaseous. सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं और गैसेस क्या होते हैं, बहुत डिटेल में हमने ये चीज़ पढ़ी है. सॉलिड्स जिनका एक डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, इट्स इन सॉलिड फॉर्म,
इट्स इन सॉलिड फॉर्म एंड आई हैव सेड दैट इट हैज अ डेफिनेट शेप है. मैं कुछ भी कर रही हूँ इसको इस तरह से अगर ट्विस्ट भी करूंगी तब भी इसकी शेप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. क्लियर है, डेफिनेट शेप है. सपोज आई हैव पुट इट इन ऑन माई फिंगर, सॉरी ऑन माई हैंड, मैंने हैंड पे रखा है तब भी ये उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. अगर मैं इसको यहाँ रख दूंगी, कहीं और रख दूंगी, तब भी वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. ऐसा तो नहीं कि उसका जो शेप है या उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है. नो, इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम. जहां मर्जी रख देंगे इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा. डेफिनेट शेप है, यू कांट ब्रेक इट इजीली. इसको मैं ब्रेक नहीं कर पा रही हूँ इजीली. रीजन कि इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो पार्टिकल्स के अंदर, वो क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं. एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को क्या करके रखा होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अपने साथ बांध के रखा होता है, अटैच करके रखा होता है. ठीक है, अगर मुझे इसको तोड़ना होगा तो मुझे कुछ हथौड़ा हथौड़ा लाना पड़ेगा, फिर मुझे इससे मारना पड़ेगा, तब ये जाके टूटेगा. मीन्स यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स मोर देन, किससे ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, जो इसके पार्टिकल्स के अंदर फोर्स लगा होगा ना अट्रैक्शन वाला, जब तक आप उससे ज्यादा फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये टूटेगा नहीं. आपको ज्यादा उससे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स उसके ऊपर लगाना पड़ेगा. क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन वी से दैट सॉलिड्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट साइज है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनमें क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. क्लियर है? अब लिक्विड की बात आ गई. अब हम लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड की जो शेप है वो डेफिनेट है. द शेप ऑफ लिक्विड इज डेफिनेट. हु विल टेल दिस थिंग टू मी? डेफिनेट वॉल्यूम तो है, वॉल्यूम तो डेफिनेट है. इफ आई हैव टेकन 100 ml ऑफ वाटर इन अ ग्लास देन इट विल टेक द शेप ऑफ ग्लास. मैंने 100 ml पानी लिया और उसको मैंने एक ग्लास में लिया है तो इट विल टेक द शेप ऑफ ग्लास. इफ आई ट्रांसफर दैट वाटर इन टू अ बाउल देन दैट वाटर विल टेक द शेप ऑफ दैट बाउल. तो जिसमें भी उसको डाल दिया जाए उसी का शेप ले लेता है. क्लियर है? वॉल्यूम तो फिक्स है बट शेप डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द कंटेनर इन विच वी कैप दैट लिक्विड. जिसमें भी रखेंगे उसी की शेप ले लेगा. क्लियर है? एक और चीज, अगर हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो लिक्विड में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़े से वीक होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड. दैट्स वाई दे कैन फ्लो. अब मैंने इसको रखा है, ये फ्लो थोड़ी कर रहा है, तो वहीं पे स्टैटिक है, जहां पे रखा हुआ है वहीं पे रुका हुआ है. अगर मैं पानी ले लूं ऐसे हाथ पे, अगर मेरा हाथ थोड़ा सा स्लैंट हो तो वो क्या करना शुरू कर जाएगा, फ्लो करना शुरू कर जाएगा. पानी फ्लो करेगा ना, तो फ्लो क्यों करता है, क्योंकि उनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़े से वीक हैं एज कंपेयर टू सॉलिड. ठीक है? और ऐसे सब्सटेंसेस जो जिनकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने वाली, उनको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं ना. नो दिस थिंग, उनको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इट इज गैसेस. गैसेस का ना डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम, कुछ भी डेफिनेट नहीं है. दे डोंट हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम एंड द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स, अमंग द मॉलिक्यूल्स, अमंग द एटम्स, जो भी है वो क्या है, बहुत ज्यादा वीक है. दैट्स वाई गैसेज जो है कहीं भी भागती रहती है. गैसेज के मॉलिक्यूल्स जो है वो कहीं भी मूव कर जाएंगे. आपका थोड़ा सा भी सिलेंडर लीक हो जाएगा, सारे मतलब आस पड़ोस को पता चल जाएगा कि सिलेंडर क्या हो चुका है, लीक हो चुका है. होता ना ऐसा? इट मीन्स कि उसमें से गैस लीक हुई और उसके मॉलिक्यूल जुड़ के कहीं कहीं जहां उनका जहां तक जा सकते थे वहां तक चले गए. इज इट क्लियर? अब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स के साथ हो, उनका कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, कोई उनका बॉन्ड ही नहीं है आपस में, तो वो क्या,
एक दूसरे को पूछते नहीं और इधर उधर भागते रहते हैं. इज इट क्लियर? तो आपको एक क्वेश्चन भी है कि टेबुलेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, है ना, टेबुलेटेड फॉर्म. हाँ, है ना ऐसा क्वेश्चन? तो प्रॉपरली लिखनी है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कि भाई बस काम खत्म किया है. अच्छे से लिखना है, मतलब क्लियर भी होना चाहिए आपको. क्लियर? क्लियर? नाउ एक्टिविटीज वी हैव डिस्कस्ड, ऑलरेडी डिस्कस्ड देम इन डिटेल, सो विल नॉट गो टू द एक्टिविटीज. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. कैन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट्स? यस, मैटर कैन चेंजेस इट्स स्टेट, एंड वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट इज वाटर. You have seen water in solid state as well as in liquid state as well as in vapor state. Clear है? आपने देखा है ना ये सब कुछ, कि आपका जो ice है वो भी देखी हुई है. पानी तो normally आपका जो room temperature है उसके ऊपर जो है वो water liquid state में ही होता है. And gaseous state में कब जाता है? जब आप temperature increase करते हैं. मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट. सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से गैस बन जाती है, गैस से लिक्विड भी बन जाता है, लिक्विड से सॉलिड भी बन जाता है. एंड वन मोर प्रोसेस, सॉलिड टू गैशियस और गैशियस टू सॉलिड, पॉसिबल? आई टोल्ड यू सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस. सॉलिड से गैस बनना, वो होते हैं ना फिनाइल बाउल्स होती हैं जिनको कपड़ों में रखते हैं, वूलन क्लोथ्स में रखते हैं ना, तो दैट फिनाइल बाउल्स विल डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैशियस. Directly changes to solid to gaseous state, and that process is known as, उस process को हम कहते हैं sublimation. This process is sublimation. सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज होता है तो दैट इज मेल्टिंग और फ्यूजन. लिक्विड से गैशियस में जाना वेपराइजेशन, नाउ द प्रोसेस इन विच गैस इज कन्वर्टेड इन टू लिक्विड इज कंडेंसेशन. लिक्विड टू सॉलिड इज फ्रीजिंग. तो आपको ये चीजें, ये वाले प्रोसेसेस जो हैं वो क्लियर होने चाहिए कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन वाला जो प्रोसेस है उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं या फ्यूजन बोलते हैं. मतलब आइस से अगर वाटर बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग बोलेंगे. लिक्विड से आपका गैस बन रहा है तो उसको वेपराइजेशन बोलेंगे. उल्टा चलेंगे, गैस से लिक्विड बनना इज कंडेंसेशन एंड लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना इज फ्रीजिंग. एंड ऑल ऑफ देम, सॉलिड से जब लिक्विड कन्वर्ट होगा तो यू रिक्वायर सम टेम्परेचर. लिक्विड से जब गैस बनेगा यू रिक्वायर मोर टेम्परेचर.
But when gas is converted into liquid, there is decrease in temperature. When liquid is converted into solid, more decrease in temperature. And this sublimation, solid से आपका gaseous state में जाता है, तो it need a temperature, मतलब high temperature. But when gas is converted into solid, there must be decrease in temperature. So this is all for today's lecture. Thank you. Have a good day.